डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये 5 मिनट की वीडियो में आप जानते हैं कि पिछले 10 दिन से गणित की बेसिक की सीरीज चल रही है, आज जिसमें हम पढ़ेंगे पावर का भाग या घातांक का भाग, ठीक है ना, इंडिसेस का, डिवीजन ऑफ इंडिसेस, जैसे 13^105 डिवाइडेड बाई 13^31। तो इसके बारे में हम जानेंगे, और जानने के पहले एक बात आपसे फिर से हम गुजारिश करना चाहते हैं कि देखिए, डिस्क्रिप्शन पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक है जो दिया गया है। इस लिंक से जो है, आप जितने तरह के आपके बेसिक्स होते हैं सबके 5 से 10 मिनट की वीडियो है, साथ साथ में प्रैक्टिस सेट है जिससे आप इन चीजों को सीख सकते हैं। और ये क्लास 6 से लेकर किसी कंपटीशन लेवल तक के लिए सबके लिए जरूरी है। अगर आप गणित में कमजोर हैं तो शुरुआत ये 7 दिन का केवल लगता है, जिसमें इन सारे चीजों को अगर आप सीख लेते हैं तो फिर गणित की बेसिक की समस्या जो है वो सदा के लिए आपसे खत्म हो जाता है। तो ये डिस्क्रिप्शन का लिंक जो है काफी महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन पे जरूर जाएंगे और उसको लिंक को क्लिक करेंगे तो वेबसाइट के पेज में चले जाएंगे, जहां पर सारे वीडियो और सारा का सारा जो है प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। वीडियो को देखें, प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करें और संपूर्ण बेसिक की संपूर्ण तैयारी कर लें। चलिए अब क्लास की तरफ बढ़ते हैं। पहला देखिए, दिया हुआ है 8^(a^n)। आप में से बहुत कोई जानते भी होंगे, बहुत कोई भूल चुके होंगे। तो ये बराबर क्या होता है? ये बराबर होता है a^(m-n)। मतलब अगर भाग होता है और बेस जो है, देखिए एक्सपोनेंट अलग अलग है, m है, n है, बेस दोनों के अलग एक है, तो ऐसी हालत में इसका जो होता है, आप एक्सपोनेंट में के बीच में अंतर जो होता है वही लिया जाता है। इसको अच्छी तरह से समझने के लिए एक सवाल को लेते हैं। जैसे 3^5 है बटे 3^3 है, ठीक है ना, तो इसको अगर कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे देखिए ये चूंकि 3 बेस एक ही है तो इनके पावर का हम डिफरेंस निकाल लेते हैं, 5-3 बराबर जो हुआ 3 का स्क्वायर हो गया, बराबर 3×3=9। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए इसको थोड़े दूसरी स्थिति में भी और हम देखते हैं, इसका मतलब क्या होता है। 3^5 बटे 3^3, इसका मतलब क्या होता है? 3^5 मतलब 5 बार 3 को गुना करना है, जैसे 3×3×3×3×3 मतलब 5 बार 3^5 मतलब इसको गुना किया, और 3^3 मतलब 3×3×3। अब जरा ध्यान से देखेंगे, 1 3 से इस 3 को काट देंगे, इस 3 से इस 3 को काट देंगे, इस 3 से इस 3 को काट देंगे, तो बचेगा केवल 2 3 मतलब 3×3=9। तो देखिए ऊपर के एग्जाम्पल को देखिए और नीचे के एग्जाम्पल को देखिए। ये मैंने इसलिए दिया है कि इस चीज को आप अच्छी तरह समझ सकें, ये क्यों पावर माइनस हो जाते हैं, क्योंकि यहां पर ये कट जाते हैं, कट जाने के कारण ये होता है। तो इसी को हम संक्षेप में ऐसे लिखते हैं, क्यों, 3^5 अगर 105 होता तो 3×105 आप कॉपी पे लिख ही नहीं सकते थे, इसके लिए बस इसको इस तरह से किया जाता है। तो लोग इसे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, यहां पर कुछ बातों को और ध्यान देना जरूरी है। जैसे नीचे का देखिए, मैंने लिखा 3^5 बटे 2^4। देखिए यहां पे बेस बराबर नहीं है, ये 3^5 है, ये 2^4 है। अगर इसको इस स्थिति में लिखते हैं, मतलब 3 को तोड़ देते हैं, 2 को तोड़ देते हैं, तो क्या हो जाता है? देखिए मतलब 3 को 5 बार गुना करना है, 2 को 4 बार गुना करना है। ऐसे हालत में 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 3 243, और इधर 2 2 4 4 2 8 8 2 16। तो कहने का मतलब ये 243/16 हुआ। मतलब यहां पर 3^5 मतलब पावर में हम माइनस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका बेस अलग है। इस वस्तु स्थिति को आपको समझना होगा
यहां पर से कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, हम कभी कभी यहां पर भी पावर की माइनस कर देते हैं। इसको समझाने के लिए मैंने इसे दिया हुआ है और आगे बढ़ते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, a टू द पावर m बटे b टू द पावर n। देखिए यहां पे बेस दोनों अगर अलग हो गया है तो इसके पावर जैसे a टू द पावर m माइनस हुआ था ये नहीं होता है। इस चीज को मैंने यहां पर जैसे दिया हुआ है 3 टू द पावर 5 और बटे 2 टू द पावर 4, मतलब a टू द पावर m मान सकते हैं क्योंकि ये 3 है, अब नीचे चूंकि 2 है इसे आप b मान सकते हैं, b टू द पावर n। तो इनमें जो है कोई डायरेक्ट संपर्क होता नहीं है, ऐसे स्थिति में आपको सिंपल मल्टीप्लीकेशन करके जो निकलता है उसी को लिखना पड़ता है। इसे ही हम प्रैक्टिस करके समझ लेंगे। और एक स्थिति आती है, जैसे हमने लिखा 6 टू द पावर क्यूब बटे 2 टू द पावर क्यूब, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हम ये 6 को तोड़ सकते हैं 2 इंटू 3, बेस को हमने तोड़ दिया, देखिए 2 इंटू 3 और ये क्यूब तो है ही है, 6 का क्यूब मतलब बेस में जो है 6 गुणन, इसको गुणनखंड में तोड़ते हैं क्या, 2 गुणे 3 हो जाता है क्या, कि 3 दूनी 6 हुआ, 2 द पावर क्यूब है। फिर इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 2 टू द पावर क्यूब इंटू 3 टू द पावर क्यूब। इस स्थिति को देखिए हमने पावर के गुणा में ये कैसे होता है, इन सारे चीजों को विस्तृत रूप से समझाया है। अब देखो 2 टू द पावर क्यूब और 2 टू द पावर क्यूब आपस में कट जाता है, बराबर 3 टू द पावर क्यूब हो जाता है, बराबर जो है आपका 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाता है, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, बराबर 27 उत्तर हो जाता है। तो आशा करता हूं कि देखिए ये जो पार्ट है ये 5 मिनट भी नहीं हुए सारे चीज आप समझ गए। अब लेकिन इसकी प्रैक्टिस अगर नहीं करते हैं तो मुश्किल की बात हो जाती है। तो प्रैक्टिस के बगैर कुछ नहीं होता है। तो इसके लिए फिर से मैं बोलता हूं कि डिस्क्रिप्शन पे जो लिंक दिया हुआ है उस लिंक को जरूर क्लिक करेंगे और आप जो है उसमें सारे बेसिक एक जगह मिलेंगे, सारे गणित मिलेंगे, उसके वीडियोस मिलेंगे और साथ ही साथ जो है उसमें प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। उन्हें प्रैक्टिस करेंगे और करने के बाद अच्छी तरह से चीजों को समझेंगे। तो फिर से मैं बोलता हूं कि ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है और साथ ही साथ एक गुजारिश है, अगर आप तक अपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल बटन नहीं दबाया है तो जरूर उसे करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि सबकी बेसिक में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर 21 बेसिक होते हैं, इन बेसिक को अगर सीख लेते हैं और इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कभी भी आप इस बोलने की स्थिति में नहीं रहते हैं कि गणित आपकी कमजोर है। और अगर सही लगे तो एक लाइक तो जरूर बनता है। तो आज यहीं पे वीडियो को मैं समाप्त करता हूं, क्योंकि ये 5 मिनट की वीडियो है और एक सारे चीजों को सीख लिया आपने। अब प्रैक्टिस कीजिए और चीजों को सही स्थिति में लाइए। ओके देन, बाय, थैंक यू, जय हिंद।